भविष्य पुराण में आता है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आज के दिन जो मनुष्य हर्ष से रहता है, प्रसन्न रहता है, उसका पूरा वर्ष प्रसन्नता से व्यतीत होता है, और जो मनुष्य चिंता, दुख और शोक में रहता है, उसका पूरा वर्ष ऐसा ही निकलता है। आखिर क्या क्या है पुण्यमय दर्शन, आइए देखते हैं उनकी झलक। दीपावली शिविर के निमित्त पूरे देश भर से हजारों की संख्या में यहाँ साधक पधारे हैं। आइए उन दर्शकों से जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा है और किस लिए वो यहाँ आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम भोपाल से आए हैं। किस निमित्त आना हुआ आपका यहाँ पर? हमने गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू के सानिध्य में दिवाली का शिविर मनाने आए हैं। हर साल मतलब कि नित्य दर्शन करने के बाद और गुरुदेव का सानिध्य और सत्संग मिलने के बाद हमारा तो पूरा साल मंगलमय रहता है, मतलब शुभ ही शुभ। हमें कहीं और देवी देवताओं के वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा गुरुदेव के सानिध्य में ही पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है। मैंने मूर्ति बनाने की स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया है और मुझे मूर्ति बनाना बहुत पसंद है, बहुत मजा आ रहा है। ये मूर्ति बना के मेरे को भगवान शिव जी की याद आ गई। शिव जी यानी गुरु, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी गुरु भक्ति, गुरु प्रीति खूब खूब बढ़े। मुझे मूर्तियाँ बनाना पसंद है, मैंने अपने घर पे भी कई सारी बनाई हैं। और ये तो कह सकते हैं कि गुरुदेव की कृपा रही है कि क्या रहता है, दिवाली शिविर में हमको इतना आनंद आता है। और ये क्या रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है, अगर ये समय हमने संभाल लिया तो पूरा साल संभल जाता है। और इतने दिव्य अनुभव होते हैं यहाँ पे शिविर में, गुरुदेव ऐसे दिव्य अनुभूतियाँ करवाते हैं जिसके कारण हम क्या रहता है कि हम कहीं भी दुनिया में रहेंगे। मैं फॉरेन में प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ और 8.5 साल फॉरेन में भी रहा हूँ, उसके बाद गुरुकुल में भी सेवा देता हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए पर मैं जहाँ भी रहूँगा पर इस समय मैं दिवाली शिविर अटेंड करने आता ही हूँ, मतलब ये मैं नहीं छोड़ सकता। मैं मुंबई उल्लासनगर से आई हूँ, मेरे को शिविर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शिविर में आके प्राणायाम, योगासन बहुत कुछ सीखी। और रंगोली में पार्टिसिपेट किया है, जो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं खुश हूँ। यहाँ पे अलग अलग स्पर्धा होती है जिसमें मैंने रंगोली स्पर्धा में पार्ट लिया है और आज मैं रंगोली बना रही हूँ।